प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने बारामूला पार्लियामानी नशस्त पर इंजीनियर अब्दुल रशीद की पार्टी को हिमायत देने का ऐलान किया है। कल न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि पार्टी के कई लीडर इंजीनियर रशीद की हिमायत के हक में थे। इंजीनियर रशीद साहब के साहबजादे ने रिक्वेस्ट की थी आजाद साहब से, और आजाद साहब ने उस वक्त शोएब साहब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको कहा था कि साथ दे, साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने सब जो कारकुन हैं उनसे से कहा था कि आप इसकी मदद करें, और वही चल रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि इंजीनियर रशीद जो है बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो है उनको शिकस्त देगा। उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान कल सामने आता है जहां पर वो कहते हैं कि आप इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली के इशारों पर, क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली के इशारे मुझ पर तो 75 साल से एनसी चलती आई है, और मुझसे कौन ज्यादा जानता है, क्योंकि इशारे देने वालों में हम भी कभी कभी होते थे। तो इसलिए वो दिल्ली के इशारों पे उनकी पार्टी की आदत हो गई है 75 साल से। हम तो दिल्ली के इशारे देते थे, इशारे लेते नहीं थे। कि मेरी पार्टी ने कहीं भी किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं की। अब यहाँ राजौरी की ही बात कर रहा हूँ मैं जी, जहाँ उनका कैंडिडेट भी है, मेरा भी कैंडिडेट है, लेकिन हम मेरे ऑफिस बियरर हैं 2-3, उनने कहा कि हम पार्टी में रहेंगे, लेकिन पीर साहब खड़े हैं हमारे मियां साहब, तो हम उनको वोट दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं वोट, मैंने निकाला नहीं उनको। इसी तरह से नॉर्थ कश्मीर के मैंने सब लोगों को, लीडरों को बुलाया था और मैंने पूछा भाई क्या किसको सपोर्ट करना है। उन्होंने कहा जी आप कैंडिडेट खड़ा करिए। मैंने कहा देखो मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर कहने लगे हमें अपनी अपनी मर्जी है। तो कई लीडरों ने मेरे कहा कि भाई हम लोन साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, लेख सलेख है, हमारे रीजन के रहने वाले हैं। तो कईयों ने कहा कि हम इंजीनियर साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा काम किया है। तो मैंने कहा उमर साहब को कहा, वो तो हमारे रीजन के हैं ही नहीं, वो तो श्रीनगर से है, तो इसलिए हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। तो एक तरीके से कहीं एनसी बेनिफिटरी हमारे लोगों से, कहीं इंजीनियर साहब हैं, और कहीं